ये लडियाला ये लडियाला विच दो बुल बुल ढके होए ने कसम चवा ले ना हक जालमा रखे होए ने। मैं इत्था ते ढोला जंग हे मेरा लीडर मस्त मलंगे माशा अल्लाह माशा अल्लाह पंजे नमाज़ा पढ़ लें दे रुखी सुखी खा के सारी अफतारी भी कर लें दे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। ये तुहानू इमरान खान ही क्यों चंगा लगता है? इमरान खान साहब सच्चा आदमी है। इया का ना वजू वइया का नास्ताइन और आलमी दुनिया के उत्ते जले मेरे पाक नबी दा तذکرہ कीते थी वाले सारे दिल है जे बस। जदों इया का नाम तू इया का नस्ताइन कह दिता, उस तो बाद किसे दा कोई डर नहीं। बिल्कुल तुसी कदों ये आगाज किया इस गल का कि तुसी शायरी करो, माशरे के अंदर तब्दीली पैदा करो, तो ये शायरी तो लगाओ तुहाड़े बाप दादा की भी ऐसी, या सिर्फ तुसी जड़ा है आगाज किया? ना सर, सिर्फ मैं कीते तो जेले दुनिया धक्के दे दी है थोड़े दे दी है दिलाई जो दर्द तो पैदा थी ने ना सर। अस्सलामु अलैकुम साहिबो, अबरार कुरैशी आपसे बात कर रहा हूँ। और आज के गोरख धंधा में मेरे पसंदीदा, जिनकी आवाज़ आपके कानों से गूंजी, बड़े अच्छे शायर, पंजाब के इलाके में रहने वाले, आखिर ये कौन हैं, कैसे शायरी की पहली दफ़ा बड़ा मुफस्सल इंटरव्यू उनके साथ करेंगे, जिनका नाम है मलक फयाज अहमद। अरबी फाजल हैं, बहुत सारे हुनर रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, पहले भी शायरी की थी, अब मज़ीद शायरी इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक हम पहुंचाएंगे और इस सिलसिले में हमारा साथ देंगे आज मलक फयाज अहमद साहब। मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं मलक फयाज अहमद, जो बड़े काबिल शायर हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो मलिक साहब कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? सर शुजाबाद साइड दे ताला के पिया शुजाबाद ही पैदाइश है। ते बाबा बाबा जी, तुसी कदों ये आगाज किया इस गल का कि तुसी शायरी करो, माशरे के अंदर तब्दीली पैदा करो, तो ये शायरी तो लगाओ तुहाड़े बाप दादा की भी ऐसी, या सिर्फ तुसी जड़ा है आगाज किया? ना सर, सिर्फ मैं कीते तो जेले दुनिया धक्के देंदी है थोड़े देंदी है दिलाई जो दर्द तो पैदा थी ने ना सर। दिलां दे अंदर जो दर्द होंदा है, तो इसी दर्द दे नाल मैनू ये दसो कि तुसी कितने पढ़े लिखे हो? सर मैं मैट्रिक दे बाद फाजल अरबी कीता है, ओटी दा कोर्स कीता है। 35 साल तू मैं इना पीपी नून आलियां दे दरवाजे ते भजदा रह गया, इना मेरी कोई नहीं सुनी, इना मेरे किने 50,000 रुपया रिश्वत मंगी। तुसी मैट्रिक पास हो, अरबी फाजल हो, तुसी धक्के खांदे रहे हो, ते तुहाड़े कोलों रिश्वत मंगी गई कि सानू 50,000 रुपया रिश्वत दियो, तो फिर तुहानू टीचर लगांगे? कोटे चल दे ना सर, 35 साल पहले एक बच्चे दा बाप दा साया भी लाए बने ते उनके कोल किथू ए पैसे आए ते इन्हां दे मांगा पूरियां करिया बंदा। बाबा जी, तुसी टीवी देखते हो, टेलीविजन देखते हो, टीवी खबरां सारा कुछ? बस कहीं मेले सर बाए भी नहीं, कहीं मेले टाइम मिलते तो कर गिने ना तो अपनी मजदूरी एक मसरूफ होने। बाबा जी, तुसी मजदूरी करते हो और तुसी टेलीविजन भी इतना नहीं देख सकते, और चीजें भी नहीं करते, तो फिर किस तरह तुसी इतनी चंगी शायरी कर दीती है? तुम्हारे दिल के अंदर इतना दुख कितों आया? बादशाह जमाने दे धक्के ते अल्लाह दी दीती दात अगू बंदे दी क्या औकात। बात तो तुसी बड़ी चंगी कीती और शायराना अंदाज च कीती, मगर ये तुहानू इमरान खान ही क्यों चंगा लगता है? इमरान खान साहब सच्चा आदमी है। इया का ना वजू वइया का नास्ताइन और आलमी दुनिया के उत्ते जले मेरे पाक नबी दा तذکرہ कीते थी वाले सारे दिल है जे बस। इमरान खान दियां गल्लां तुहाडे दिलां दे उत्ते असर रखदियां, ऐसा ही है?
जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह असा दे ध्याने है जेडी ओ शख्स पेशुनगुई कर देंदे अल्लाह पाक ओ भी सच साबित कर देंदे। ते ए अल्लाह ताला जेडी इमरान खान दी मोहब्बत अवाम दे दिलां विच बसा छोड़ी है। बाबा जी तुसी इस उम्र दे हिस्से विच मैनू ये दसो कि तुसी कदे सोचिया सी कि पाकिस्तान दे अंदर कोई लीडर आएगा और इतना मकबूल हो जाएगा जिस दे उत्ते तुसी भी शायरी करोगे? नहीं ना सोचा ही सर, नहीं सोचिया। बाबा जी तुहाडी ख्वाहिश की है, तुसी की चाहते हो, मुल्क दे अंदर की होना चाहिए है? अदल होवे सर, इंसाफ होवे, अमीर गरीब दा शान बराबर होवे, अल्लाह दे रसूल दा कानून होवे, चोरी ना होवे, डकैती ना होवे, डूडू दस्तूर ना होवे। ते बाबा जी अगर दस्तूर होंदा, इंसाफ होंदा, आइन होंदा, कानून होंदा ते तुसी मैट्रिक और अरबी फाजल पास, तुसी दे आज सीनियर टीचर और किसी स्कूल ते उत्ते प्रिंसिपल होना सी, तुसी दे जिप्स ला रहे हो और रगड़ाई दी मशीन नाल कम कर रहे हो। बिल्कुल जी। ते बाबा जी ये नजूल कदों होया सी जदों तुसी लिखिया के वर्दी वाले हो इंसाफ करो? ये लाखों करोड़ों लोगों ने इसको देखा, ये किस तरह तुहाडे ज़हन च गल आई? बस अल्लाह पाक ने बरकत पाती है, जेले वो शख्स आदे या का नाबुदू या का नस्ताइन, आय अल्लाह तेरी इबादत करे ना, तेरे किने मदद मंगदा ते उंदी अल्लाह ने मदद की थी। ते जदू या का नाबुदू या का नस्ताइन कह दिता, उस तो बाद किसे दा कोई डर नहीं? बिल्कुल। ते ए जड़ी मोहब्बत है, इस तो वड्डी चीज भी कोई नहीं? कोई नहीं सर। ते सर तुसी इक्के ही शायरी कीती या उस तो बाद कोई और भी नजूल होया, मजीद भी तुसी शायरी लिखी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लिखे से। ते मैं चाहना कि मेरे जड़े लखां लोग वेखन वाले ने तुहाडे नाल बड़ी मोहब्बत कर दे, साढ़े नाल भी कर दे, तो उन्हां वास्ते दो गजलां, एक तो वर्दी वाली दी भी असी सुनना चाहसा और नई गजल जड़ी है उसका टाइटल की है? ये लडियाला विच दो बुलबुल ढके होए ने कसम चवाले ना हक जालम रखे होए ने, मैं इत्था ते ढोला जंग है मेरा लीडर मस्त मलंगे है, माशा अल्लाह माशा अल्लाह पंजे नमाज़ा पढ़ लेंदे, रुखी सुखी खा के सारी अफतारी भी कर लेंदे, बाजार भी किन घ्यू देसी जिंद जीवे शाह महमूद कुरेशी, मुल्तान दिशाने साहेब ईमाने हर चश्माए वफादारी दा सैयद अदा की तै हक खान दियारी दा, बाजार च विकन लुकारा पपिया हलदिया जेल जतारा, सुबह सवेले सारी बेच खा दे दही माया, ना भी ओ विकिया ना भी ओ झुकिया साडा परवेद इलाही माया, मेरा ना बाबा फजू सची यारे मेकू सच्चे बंदियां नल प्यारे, कसम खुदा दी जेकर हो दा मैं जज माया, ना पे गुना कह दिया को अजो अज ना अजो अज मैं छड़ माया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। और तुसी आने वाले दिनों विच कितने कलम वाले ते इंसाफ करन वाले ने जेड़े जज, उन्हां दे उत्ते भी कोई गजल लिखोगे? बिल्कुल सर, लिखदा भी हां मैं इंशाल्लाह, अगली मुलाकात ते उत्ते सुनवे ता भाई
रूहे जनादे रूह इकबाल पाकिस्तान दा देख के हाल कौम दे नालो करन सवाल। वो पहले वाली जोन जो थे हुण मेरे ज़हन ते नहीं आंदी पई, पहले वाली जोन जो थे मैं इंशाल्लाह तैयार करके पेश कर देंगे। बाबा जी दसो कि तुसी कल्या बह के कितने खेतां च बह के ते उत्थे शायरी करदे हो या दोस्तां यारां नाल मशवरा भी करदे हो? ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਗਿੰਨੇ, ਮਜਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜ ਗਿੰਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਫੱਜੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫੱਜੂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ। मैं तुहानू दस चाहना कि बाबा जी तुहानू कम अज कम 5 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर वेखे, कम अज कम 5 करोड़ लोग। सिर्फ जरा मेरा सी ना प्लेटफॉर्म उत्थे 2,70,000 लोग उत्थे वेखे है। तो बाबा जी ये दसो कि तुहाडी गुजर औकात किस तरह होंदी है, तुहाडे किस तरह के मसाइल न? मसाइल बड़े, बस अल्लाह पाक दी रहमत है सर, मजदूरी है जो क्या थींदे, 1500 रुपया दिहाड़ी होंदी है, इंदे जो क्या बनदे। ठीक है, उस ते उते भी असी गल करांगे, ते अगर तुसी मुनासिब समझो ते वर्दी वाले हो इंसाफ करो, मैं चाहता कि तुसी एक दफा फिर सुनाओ मेरी मौजूदगी च। सब दा सज्जन सब दा यार, ये सर हाली आवाज नहीं बनता पिया, मैं थोड़ा जहा हस्पताल ही चू आया, बोतलां लवाई बैठा। ओहो, चलो जितना मुमकिन हो सके ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो अगले ऐसी शो विच कर लवांगे, कोई ऐसी गल नहीं, मैनू पता है तुहाड़ी सेहत नहीं अच्छी। अगले शो च हाली मेरे ओ धुन से नहीं आंदी पई, मैं टीके लवाई बैठा, बोतलां लवाएं ते हुण मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे हुकम नाल या का नाबुदु व या का नस्तईन, अल्लाह मदद करे सी इंशाअल्लाह, जरूर तब्दीली आ सी। ए देख नहीं सकीदा सर मैंडेट चोर जो आ गए जीत के असा की है। ऐसा ही है, बाबा जी तुहाडी सेहत नहीं अच्छी, दिल ते करदा सी तुहाडे नाल होर मजीद गल्लां करां, तां असीं जल्द दोबारा गल करांगे, तुहाडे नाल राबता रहि सी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश वक्त देने दी। जुमला है सारे तवज्जो नाल सुन गिनो, साडे उते तो देवे ने जोर जो कां को आखो मोर। कीवें कां को मोर आखड़ियो, ऐसा ही है, राधन बिल्कुल ऐसा ही है। ते बाबा जी बड़ी नवाजिश, तुसी अपनी सेहत का ख्याल रखो, ते जल्द फिर गल होएगी तुहाडे नाल। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। आप देख रहे हैं गुरगंदा अब्रार कुरैशी के साथ।